जूनागढ़ और गिरनार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त आ गई। वापस चमकाने आपकी किस्मत। 4 फरवरी से बुध ने लिया यूटर्न। तुला राशि वालों के दिन बदलने वाले हैं। बुध ग्रह 4 फरवरी 2022 से मकर राशि में मार्गी चाल से पुनः परिभ्रमण शुरू करने वाले हैं, जिसका प्रभाव आपकी तुला राशि पर विशेष होने वाला है। मैंने जनवरी में कहा था कि फरवरी के अंत तक कोरोना कम हो जाएगा और यह भविष्यवाणी 100% सच होती जा रही है। चाहे तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। बुध परिवर्तन के कारण देश दुनिया में बहुत बड़े बदलाव होंगे। दो देशों के बीच में महाभयंकर युग की स्थिति बन सकती है। इससे मार्केट बढ़ने की संभावना है। बाजार में खरीदारी बढ़ सकती है। मनोरंजन का क्षेत्र तेजी से प्रगति करता दिखाई देगा। तो वैश्विक स्तर पर कुछ पुरानी संधियां और दस्तावेज फिर से विचारणीय रहेंगे। भारत में व्यापारिक नीतियों में बदलाव की संभावना बनेगी। इन सब के बीच में सबसे बड़ा लाभ 12 राशि में तुला राशि को मिलने जा रहा है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है, किंतु वह बुद्धि और कारोबार में सफलता के लिए महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि बुध हमारी प्रज्ञा के देवता है। धर्म और ज्योतिष आधार पर बुध ग्रह आपके जीवन को संपूर्ण बदल सकता है और वह समय आपकी कुंडली में भाग्य भाव और विदेश भाव के लुट होकर शनि सूर्य के साथ आपके सुख भाव में विराजमान है, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो आइए जानते हैं बुध का प्रभाव कैसा रह सकता है। मार्गी बुध का प्रभाव तुला राशि वालों के लिए चतुर्भाव में होने जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड के राजकुमार बुध ग्रह आपके चौथे स्थान में गोचर करेंगे, जिसके प्रभाव स्वरूप इस समय से यानी कि 4 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में आपको अपने मेहनत के बल पर भौतिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। भूमि भवन वाहन का लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस वक्त आपके कार्यों में आपकी माता की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। माता की संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। माता का प्रमोशन हो सकता है। यहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र में माता से सहयोग भी मिल सकता है। इस समय यदि आप अपनी किसी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। तो सैलरी में वृद्धि मिलने से प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। जो अपना खुद का कार्य कर रहे हैं, अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वह व्यवसाय गठबंधन उद्यम या फिर किसी प्रकार के लाभ की ओर आगे बढ़ेंगे। आप अपनी सृजनात्मकता योग्यता कुशलता के कारण महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप में सभी परिस्थितियों को अपनी दूरदृष्टि आशावादिता एवं विश्वास के साथ बदल देने की योग्यता है। आपके नए एवं प्रगतिशील विचारों के माध्यम से आप कार्य क्षेत्र पर अवश्य ही सफल रहेंगे। जहां आप दूसरों के सामने अपनी बातों को अच्छी तरह रख पाएंगे तो लोग आपकी बातों को तवज्जो देंगे, जिसके कारण बड़े बड़े लाभ मिलेंगे। महत्वपूर्ण सौदे आपके पक्ष में रहेंगे। यहाँ तक आमने सामने की मुलाकात का भी लाभ प्राप्त करेंगे। आप मान के चल सकते हैं कि 4 फरवरी से आर्थिक विषमता दूर होगी तथा धन आगमन की स्थिति बनेगी। संपत्ति विवाद मुकदमे तथा पुलिस के मुद्दे में बिना कारण उलझे हैं तो वह भी समाप्त होगी। संपत्ति का विवाद का हल अवश्य ही निकलेगा। गृह प्रवेश का रास्ता साफ हो जाएगा। लंबे समय से अर्थ अभाव के कारण जो भवन निर्माण का कार्य रुक गया था वह भी हो सकता है, क्योंकि बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको राजा के सम्मान सुख प्राप्त मिल सकता है। मान सम्मान मिलेगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध सुदृढ़ बनेंगे। पैसों के मामले में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। कहीं पर पैसा फंसा हुआ था तो वहां से अल्प मात्रा में पैसा वापस आएगा। इसके अलावा इस दौरान आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा आकांक्षा भी पूर्ण हो सकती है। आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहेगी और जो योग्य डिग्री एवं काबिलियत होने के बावजूद भी भटक रहे हैं उन्हें नौकरी प्राप्त हो सकती है। लेखक, कलाकार, अभिनेता, प्रबंधक, प्रशासक, नाट्यकार, सैनिक, वकील एवं घरेलू सजावट संबंधित व्यवसाय से जुड़े जातक जहां लाभ की स्थिति में रहेंगे। 15 फरवरी के बाद आय के कुछ गैर परंपरागत जरिए ललचाने वाले हो सकते हैं और आप इन रास्तों पर चलने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। आपके जीवन में लक्ष्य को एक नई दिशा मिल जाएगी। यदि आप अपने पैसे में खुद को अभिव्यक्त करने की आज़ादी चाहते हैं तो वह मिलेगी। अधिकारी और काम की स्थिति बेहतर होगी। यहाँ तक कि प्राइवेट पदों पर विराजमान मध्यम संस्था में कार्यरत जातकों को प्रशंसा और प्रोत्साहन भी मिलेगा। व्यवसाय या प्रेम विषयों के मामले में आप किसी इच्छित व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं, जिससे न सिर्फ मुद्रा का लाभ होगा बल्कि संबंधों में मजबूती वह प्यार भी मिलेगा। मान के चलिए अचानक आपकी सारी योजनाएं पूरी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी। दोस्तों, हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्ति को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं और कुंडली में बन रहे दोषों का वैदिक निवारण भी अवश्य करवाएं।
ताकि जीवन में आपको शुभ फल मिलते रहे। जो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, भौतिक शास्त्र, आर्किटेक्ट के विद्यार्थी है या किसी भी प्रकार के शोध में अध्ययनरत छात्र है, उनके लिए यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। परीक्षा के पश्चात नौकरी, शिक्षा, कामकाज के सिलसिले में अन्य राज्य या विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो अपने घर से दूर, अपनी मिट्टी से दूर जो बसे है वह भी बड़े लाभ के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मंगल विदेश में स्थित हर जातकों की मनोकामना पूर्ण कर सकता है, क्योंकि यह समय में नए अनुभव, पैसे, सम्मान एवं ज्ञान की आपकी तलाश आपको काफी आगे ले जाएगी। साथ ही नदी के लोगों के स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें पेश आ सकती है, आराम और अच्छी देखभाल की आवश्यकता है। दुर्घटना और चोट लगने से बचे, तनाव मुक्त होने के साधनों की तरफ भी ध्यान दिए, मानसिक प्रसन्नता के लिए अपनों के साथ समय बिताए। दत्त महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय गुरुदत्त, जय गिरनार।